रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मज़ा भी आएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का जो सिलेबस है प्लस मेंस का जो सिलेबस है। स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल आप आइए इसमें। दोस्तों ये जो वीडियो बेसिकली रहने वाली है ये इन डेप्थ एनालिसिस करेगी जनरल स्टडीज़ व मेंस के पूरे सिलेबस और प्रीलिम्स के सिलेबस को। तो दोस्तों जो जीएस पेपर वन है जिसे जिसमें आपके 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है दोस्तों, और 2 घंटे के पेपर के साथ ये 200 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें पहला टॉपिक रहेगा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो दोस्तों इसमें जितने भी करंट इवेंट्स हैं जैसे कोई नेशनल इंटरनेशनल इवेंट है जो कि नेशनल लेवल पे इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे COP14 की बैठक, UNCCD की बैठक, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट इवेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, सोशल सेक्टर स्कीम, जनरल इशूज़ ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। और इसमें आपको जो है कोई भी सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए, स्पेशली मेंशन है बहुत से बच्चे एनवायरमेंट इकोलॉजी में जो है PhD करने लग जाते हैं जो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है। जनरल साइंस में खाली जनरल साइंस है पूरा, कोई स्पेसिफिक साइंस आपको नहीं पढ़नी है दोस्तों। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि क्या करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो है वो अगला टॉपिक है दोस्तों। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे जो टॉपिक है वो आगे है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके अंदर एम्फेसिस आपको कहाँ देना है, अंडरस्टैंडिंग सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू गो टू हैव साइनोप्टिक व्यू ऑफ नेचर करेक्टर एंड करेक्टर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट ग्रोथ नेशनलाइजेशन एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। आपको साइनोप्टिक व्यू होना चाहिए यानी कि सिनॉप्सिस बना के उसको शॉर्ट में, आपको शॉर्ट ब्रीफ व्यू होना चाहिए किसका, फ्रीडम मूवमेंट ग्रोथ और नेशनलाइजेशन और अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो टॉपिक्स हैं इनको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से जैसे सिलेबस में मेंशन है वैसे ही लेना है। तो इन ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, तो उसके बाद है वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की, और इसको रिलेट करना चाहिए आपने सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक इशू, देखिए ब्लैक में करे हुए हैं, मतलब यूपीएससी खुद कह रही है कि ये इंपॉर्टेंट है, और पॉलिटी और इकोनॉमी कल्चर क्वेश्चन जो होंगे वो कंट्री की नॉलेज और पॉलिटिकल सिस्टम के बेस होंगे इंक्लूडिंग पंचायती राज एंड डेवलपमेंट बोर्ड, इकोनॉमी एंड कल्चर। इसके अलावा देखिए एनवायरमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। तो इसमें जो है कैंडिडेट्स की जो है टेस्ट की जाएगी, मेंटल एबिलिटी टेस्ट की जाएगी, किससे रिलेटेड, विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉब्लम ऑफ रिलेशनशिप पॉपुलेशन एनवायरमेंट अर्बनाइजेशन और जनरल इश्यूज़ ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इसके ऊपर जो आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग चेक की जाएगी। जनरल साइंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन जो आएंगे वो जनरल एप्रिसिएशन और जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस के उससे आएंगे, और जो कि डे टू डे बेसिस पे आप ऑब्जर्वेशन करते हैं और एक्सपीरियंस भी करते हैं उन फोर्सेस को, तो ये जो है एक एजुकेटेड आदमी से जितना भी एक्सपेक्ट किया जाता है उसमें आएंगी। और इसमें जो यूपीएससी यूपीपीसीएस का जो नोट है वो ये है कि जो आप इसमें जो यूपीपीसीएस का जो नोट है वो ये है, कैंडिडेट जो हैं उनको जनरल अवेयरनेस अबाउट दिस सब्जेक्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, आपको उत्तर प्रदेश की स्पेसिफिक नॉलेज इस सब्जेक्ट में होना बहुत ज़रूरी है। GS2 की जब हम बात करते हैं तो ये आ गया कॉम्प्रीहेंशन। तो ये देखिए ये प्रीलिम्स का जो सिलेबस हमने डिस्कस किया, ये GS पेपर वन प्रीलिम्स के पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो देखिए प्रीलिम्स के बाद आप आगे प्रीलिम्स के दूसरा पेपर जिसे हम कहते हैं सिविल सीमिक एप्टीट्यूड टेस्ट CSET, तो CSET का पेपर ये है। CSET के पेपर में कॉम्प्रीहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन, जनरल मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 10, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 10 में क्या क्या है, अर्थमेटिक नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, रियल नंबर, डिवाइजर ऑफ इंटीजर, प्राइम नंबर, LCM, HCF, इंटीजर एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, और इसका क्या आएगा, एवरेज रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क टाइम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सभी टॉपिक आपको जो है करके जाने हैं प्रीलिम्स, तभी आप क्वालिफाई करेंगे दोस्तों। तो आगे जानते हैं एलजेब्रा और फैक्टर्स। अब देखिए एलजेब्रा वाले जो पोर्शन होगा उसमें क्या क्या आएगा, एलजेब्रा वाला जो पोर्शन होगा उसमें फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल, LCM, HCF, इंटर रिलेशनशिप, रिमाइंडर थ्योरम, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेट, थ्योरी सेट, नल सेट, सनसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट, ऑपरेशन, यूनियन इंटरैक्शन बिटवीन सेट, वेन डायग्राम। अब ज्योमेट्री में क्या क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरम रिगार्डिंग ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम सर्कल, द प्रीमियर एरिया, वॉल्यूम सर्फेस, राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड सर्कुलर कोन एंड क्यूब। और स्टैटिक्स में देखिए कलेक्शन ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबुलेशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, बार डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन, मीडियन मोड,
ये सभी टॉपिक जो है आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, जनरल इंग्लिश अप टू टेंथ, इसमें कॉम्प्रीहेंशन रहेगा, इसमें आपका एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस रहेगा। दोस्तों आप कह रहे होंगे ये सिलेबस तो हम खुद भी पढ़ सकते हैं, मगर देखिए इसमें जो बारीकियां हैं सिलेबस की वो आपको खुद समझ में नहीं आएंगी जब तक कोई समझाएगा नहीं कि कौन सा टॉपिक पढ़ने वाला है और कौन सा टॉपिक छोड़ने वाला है। तो यही चीज़ के लेके हम जो है ये टॉपिक आपसे डिस्कस करते हैं, और ताकि आपको ये एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि सिलेबस को पढ़ना कैसे है। अब देखिए कॉम्प्रीहेंशन की जब हम बात करते हैं तो कॉम्प्रीहेंशन बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कॉम्प्रीहेंशन कैसे आप करेंगे इसको लेके आप आइए जो है जल्दी वीडियो लेके आ रहे हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन, स्पेलिंग, वर्ड मीनिंग, वोकैबुलरी यूजेस, आइडम एंड फ्रेजेस और फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अलावा देखिए हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं, अनुकार्थी, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, तत्सम एवं तद्भव, देश विदेशी भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग वाली अशुद्धियां, ये सभी जो है आपको पढ़ के जानी है। प्रीलिम्स आपका इतना सिलेबस कंप्लीट हो चुका। अब देखिए अपेंडिक्स 6 जो कहती है वो सिलेबस फॉर कंबाइंड स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विसेज, जनरल रिक्रूटमेंट, फिजिकली हैंडीकैप्ड, बैकलॉग स्पेशल, तो इसमें कुछ रूल्स दिए हैं। नो कैंडिडेट कैन बी एडमिटेड इन एग्जामिनेशन अनलेस होल्ड द सर्टिफिकेशन ऑफ एडमिशन फ्रॉम द कमीशन। द डिसीजन ऑफ द कमीशन टू एस एलिजिबिलिटी अदरवाइज कैंडिडेट एडमिशन इन द एग्जामिनेशन शैल बी फाइनल। कैंडिडेट आर वॉर्न्ड दैट दे शुड नॉट राइट देयर रोल नंबर्स इन द बुक्स, अदरवाइज दे विल बी पेनलाइज्ड बाई डिडक्शन ऑफ मार्क्स, ऑल्सो दे शुड नॉट राइट नेम्स अदरवाइज दे विल बी डिस्क्वालीफाइड। देखिए मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ जो कि मेन्स में क्या क्या गलती एग्जामिनेशन में बच्चे करते हैं उससे रिलेटेड, वो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर एक बार जरूर देख ले, डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो में दे दूँगा। इफ आ कैंडिडेट हैंड राइटिंग इज नॉट इजिली एलिजिबल, डिडक्शन ऑफ मार्क्स शैल बी मेड फ्रॉम द टोटल मार्क्स। आ कैंडिडेट मे आंसर क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश, रोमन स्क्रिप्ट और हिंदी देवनागरी, और इन उर्दू पर्शियन स्क्रिप्ट, प्रोवाइडेड लैंग्वेज पेपर होल मस्ट बी आंसर्ड इन वन ऑफ द स्क्रिप्ट अनलेस इट इज अदरवाइज इंडिकेटेड इन द क्वेश्चन पेपर। तो देखिए एक ही लैंग्वेज में पूरी तरीके से पेपर दे वरना आपके नंबर जो है उसमें भी कटेंगे, और उसके अलावा जो है रोमन स्क्रिप्ट और देवनागरी हिंदी स्क्रिप्ट में जो है स्टैंडर्ड होगी, स्टैंडर्ड नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड नॉलेज होगी रिक्वायर होगी कंपलसरी और ऑप्शनल पेपर में, सच एज यंग मैन होल्डिंग बैचलर्स डिग्री और एक्सपेक्टेड टू द सिलेबस इंडिकेटिंग अदरवाइज। अब सामान्य हिंदी की जब हम बात करते हैं, दिए गए खंड में गद्य का अवबोध, संक्षेपण, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, शब्द ज्ञान का प्रयोग, उपसर्ग, प्रत्यर्ग का प्रयोग, विलोम शब्द, व्याख्यांग एवं एक शब्द, वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि, लोकोक्ति एवं मुहावरे। अब ऐसे का जो पेपर है, ऐसे का पेपर जो आता है दोस्तों, ऐसे के पेपर में क्या होगा, देखिए ऐसे का पेपर जो है उसमें क्या होगा, ऐसे के पेपर में जो है कैंडिडेट को जो है वन टॉपिक सेलेक्ट करना होगा ईच सेक्शन से, जिसमें 700 वर्ड में उसे ऐसे लिखना होगा। जो सेक्शन ए होगा वो लिटरेचर और कल्चर, सोशल स्पेयर और पॉलिटिकल स्पेयर पे बेस्ड होगा, सेक्शन बी साइंस, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इकोनॉमिक स्पेयर, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एंड ट्रेड के ऊपर बेस्ड होगा। सेक्शन सी जो होगा नेशनल इंटीग्रेशन, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स, नेचुरल कैलेमिटी, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, डीलक ड्रॉट एक्सेट्रा, नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट के ऊपर थर्ड सेक्शन जो है आपका बेस्ड होगा। तो हर टॉपिक में वन टॉपिक कैंडिडेट को इस सेक्शन में चूज़ करना है। इसमें जीएस वन की जब हम बात करते हैं तो इसमें आ जाता है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, साइलेंट फीचर्स, आर्ट फॉर्म्स, अब ये मेंस के हिसाब से हो गया दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में आपकी हिस्ट्री पूरी आ गई, जितनी अभी तक की हिस्ट्री है फ्रॉम 1757 टू 1947, सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनैलिटी और इशूज इससे रिलेटेड, फ्रीडम स्ट्रगल, पोस्ट इंडिपेंडेंस और कंसोलिडेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, ये पोस्ट मॉडर्न इंडिया 1965 तक, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड इंक्लूड 16th सेंचुरी, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड पूरी आ गई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फासिज्म, नाजीज्म और इफेक्ट ऑन सोसाइटी, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, रोल ऑफ वुमेन, पॉवर्टी एलिमिनेशन, ये सब टॉपिक जो सोशल इश्यूज के टॉपिक हैं, मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ये सब जो है इसके टॉपिक्स हैं। इसके अलावा देखिए सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनिकेशन, रीजनलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर वाटर सोर्सेस और ये सारे टॉपिक्स आपके जो हैं आ जाते हैं। ये ज्योग्राफी के टॉपिक्स अब आ गए, फिर साइलेंट फीचर्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ओशियनिक रिसोर्सेस ऑफ इंडिया एंड द पोटेंशियल, ह्यूमन माइग्रेशन, रिफ्यूजी, फ्रंटियर, बाउंड्रीज, पॉपुलेशन सेटलमेंट्स, ये पूरे ही टॉपिक्स आपके आ जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा स्पेसिफिक नॉलेज आपको उत्तर प्रदेश की फोक डांस की, रीजनल लैंग्वेज, हेरिटेज, कस्टम, टूरिज्म, स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ यूपी ज्योग्राफी, ह्यूमन नेचुरल रिसोर्स, क्लाइमेट्स और ये सब चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जीएस2 में आपको क्या क्या पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ये सब चीज़ आपको पढ़नी है, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन स्टेट, उसके बाद रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, सेपरेशन ऑफ पावर और कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में आपको पढ़ना है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, मिनिस्ट्री। अब देखिए इनमें क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होंगे, हाउ फार द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ द सबरीमाला वर्डिक्ट इज रिलेवेंट इन मेंटेनिंग द सेक्युलर स्टेट
और हाउ फार द अयोध्या वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज इन्फ्लुएंसिंग द बेसिक स्ट्रक्चर एज डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सेकुलर स्टेट। इस तरीके के क्वेश्चन जो करंट इवेंट से रिलेटेड हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अपॉइंटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट और ये हमेशा इशू में रहता है। स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी, डेवलपमेंट प्रोसेसेस, वेलफेयर स्कीम्स के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इशूज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, इशूज रिलेटेड टू पॉवर्टी हंगर, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी, ये सब टॉपिक हो गए। रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी, बायलेटरल रीजनल ग्रुपिंग हो गई, और 20 टॉपिक आपका गया इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज पॉलिटिक्स डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए आपके ये। अब GS3 का जो है इकोनॉमी एंड प्लानिंग ऑफ इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कंपोनेंट्स रिलेटेड टू बजट, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, इशूज रिलेटेड टू फूड प्रोसेसिंग, लैंड रिफॉर्म्स, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस, अवेयरनेस इन फील्ड ऑफ इनोवेशन, इन्वायरमेंटल एंड सिक्योरिटी, डिजास्टर एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, चैलेंजेस इन द इंटरनेशनल सिक्योरिटी, और रोल ऑफ रोल काइंड एंड मैंडेट ऑफ द फोर्सेस, स्पेसिफिक नॉलेज, ओवरव्यू ऑफ यूपी इकोनॉमी, स्टेट बजट। अब दोस्तों इसके आगे देखते हैं, इसके आगे ये देखिए एथिक्स GS पेपर 4 के जो हैं उसमें एथिक्स हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, बेसिकली जितने भी ये टॉपिक्स हैं वो बहुत ही जनरलाइज टॉपिक हैं। मॉरल, पॉलिटिकल एटीट्यूड, सोशल इन्फ्लुएंस, परसुएशन एटीट्यूड वगैरह, ये जितने टॉपिक, इमोशनल इंटेलिजेंस, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स, ये जितने टॉपिक्स हैं देखिए कितने जनरलाइज टॉपिक हैं। पब्लिक सिविल सर्वेंट्स, पॉवर्टी, प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस, केस स्टडीज ऑन अबव इशूज़। तो दोस्तों ये सभी जो थे बेसिक जनरल डिस्कशन था कि आपके GS से लेके पूरा प्रीलिम्स से लेके मेंस का सिलेबस क्या रहने वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि आप IAS आपको इस सिलेबस में कैसे हेल्प करने वाला है। दोस्तों आप IAS की टीम जो है आपके लिए ला रही है घटना चक्र का सार, प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो सीरीज़ है पूरी घटना चक्र हम डिस्कस करेंगे। क्रैश कोर्स के रूप में ये रहेगा UPPCS, MPPCS, जितने भी स्टेट PCS के एग्जाम्स आ रहे हैं उनके लिए, UPSC के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे, जनरल डिस्क्रिप्शन रहेगा जिससे कि आप जो है ये एग्जाम क्वालिफाई कर लें। इसके अलावा टेस्ट सीरीज हम लेके आ रहे हैं ताकि आप लोग जो है UPPCS का प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको UPPCS की जो हम अगली सीरीज हम ला रहे हैं वो आपको सबसे पहले देखने को मिले। और जल्दी से आते ही वो वीडियो पूरा देख डालिए और उससे सारे पॉइंट्स जितने इंपॉर्टेंट है वो नोट कर डालिए, क्योंकि आपको UPPCS क्वालिफाई करना है तो वो सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्दी ही नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होगी टीम आप IAS। धन्यवाद।